इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो आपसे बे इंतहा मोहब्बत करे और हमेशा आपको याद रखे, आपसे मखलिस रहे। हाँ, अगर कोई है भी तो इसमें ना ही उसका अपना कमाल है और ना आपका। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ने उसके दिल में आपके लिए डाल दी है। अगर वो आपकी कदर करता है, आपको वैल्यू देता है, तो अल्लाह चाहते हैं कि वो शख्स आपका बन के रहे। ये तो अल्लाह ने चाहा कि वो शख्स आपको चाहे और उम्र भर चाहे, और वो शख्स आपको चाहता रहेगा यहाँ तक कि आप इस दुनिया को छोड़ दें, फिर भी वो आपको नहीं भूलेगा। फिर भी वो आपको नहीं भूलेगा, आपका जिक्र करेगा, लोगों में आपको ज़िंदा रखेगा। और ऐसी मोहब्बत का मिलना अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वासिफ अली वासिफ कहते थे, मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि ये बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। अगर तुम अपना 100% देकर भी नाकाम हो रहे हो तो मान लो तुम किसी बड़े मकसद के लिए तख्लीक किए गए हो। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा सामने कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं। लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना, सर्दियों की सुबह अक्सर धुंध होने की वजह से लगता है कि सामने कोई रास्ता नहीं, लेकिन चलते रहने से रास्ता भी मिल जाता है और मंजिल भी। जैसे इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, जैसे अंधे और देखने वाले बराबर नहीं हो सकते, और जैसे जिंदा और मरने वाले भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह चलने वाले और बैठने वाले भी बराबर नहीं हो सकते, हिम्मत हार जाने वाले और बुलंद हौसलों वाले भी बराबर नहीं हो सकते। तो तुम यकीन रखो, जिसने तुम्हें बनाया है वो कभी भी कुछ भी बेमकसद नहीं बनाता, और ना ही वो अपनी तख्लीक को ज़ाया होने देता है। वक्त तुम्हारा भी आएगा, इज्जत तुम्हें भी मिलेगी, कायनात के राज तुम पर भी खुलेंगे और चिराग तुम्हें भी थमाया जाएगा। बस यकीन रखो, और मुआजजे तो यकीन रखने वालों के लिए ही होते हैं ना। अल्लाह पाक तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही चीज़ का ख्याल आना उसकी जानिब से इशारा है कि तुम उसे मनाओ। वो तो उन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उसे बार बार मांगते हो। इस देरी से मत घबराओ, बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतज़ार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो, टूटे हुए दिल से निकली हुई सदा कभी खाली नहीं जाती और इबादत का सिला कभी रायगा नहीं जाता। तो फिर ये सब जानते हुए भी तुम क्यों उससे मांगते हुए थक गए हो जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह ज़रूर देगा, और कुन मोहब्बत है उसकी वो दे देता है। अब कबूलियत के ज़रिए उसके एक हुक्म पर रुके हैं, और उसका हुक्म सिर्फ तुम्हारी एक पुकार का मुंतज़िर है। अल्लाह तो सब जानता है, ये सोचकर मैंने कभी लफ्ज़ों को तरतीब ही नहीं दी। थक जाऊँ तो सर को सजदे में झुका लेती हूँ, न मसलिहतों से लड़ती हूँ, न हालात का शिकवा करती हूँ, न अपनों से उम्मीद रखती हूँ, अब न गैरों से किसी दर्द का जिक्र करती हूँ, गमों को हंसी में उड़ा देती हूँ, टूट जाऊँ तो नम आँखों से मुस्कुरा देती हूँ। ये रंगीनियाँ, ये मौसम मुझे नहीं भाते, बनाओ सिंगार की मुझको आदत ही नहीं, दिल बुरा रख कर मुझे ज़ुबान से अच्छा बनना नहीं आता। जिसको इज्जत दी दिल से दी, और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा, मेरा मिजाज दुनिया से कभी मिला ही नहीं, जिसको छोड़ दिया उसको फिर कभी पलट कर नहीं देखा, रिश्तों को मैंने यकीन की बुनियाद पर कभी परखा ही नहीं। ज़माना कहता है मुझको सलीका नहीं ज़िंदगी गुजारने का,
और मैं सोचती हूँ ये वही हैं जिन्होंने कभी मुझे सुना ही नहीं। सब्र की आयतें मुझे याद रखनी नहीं आती। थक जाऊँ तो अल्लाह के आगोश में पनाह ले लेती हूँ। रोज़ सुनाती हूँ अल्लाह को गम का वही पुराना किस्सा। रोज़ उस शख्स का नाम अल्लाह के सामने दोहराती हूँ। हाँ मुझे दुख को लफ्ज़ों में पुराना नहीं आता। हाँ मुझे लोगों के लिहाज से बदलना नहीं आता। हाँ मेरी दुआएं मेरी ही तरह सादा हैं। मेरी नीयतें बस अल्लाह जानता है। मेरी ज़ात में अनगिनत ऐब हैं। मुझे दुनिया से लड़ना नहीं आता। अल्लाह पाक तुम्हारी कमज़ोरियों और तुम्हारे ऐबों से खूब वाकिफ़ है, मगर वो फिर भी पर्दा रखे हुए है, किसी पर आया नहीं करता। अगर वो भी तुम्हें तुम्हारी गलतियों और ऐबों को देखकर सवाब और गुनाह का फ़ैसला करने लगे तो जहन्नुम में जगह कम पड़ जाए, मगर वो माफ़ कर देता है। एक बार दिल से माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देता है। तो तुम क्यों किसी इंसान को माफ़ नहीं कर सकते? क्यों एक दूसरे के ऐब तलाश करते रहते हो? क्यों एक दूसरे की दिल आज़ारी करते हो? क्यों किसी की ज़रा सी बुरी बात देखकर उसे अपने हिसाब से जज करने लगते हो? ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, उसके साथ ये मसला होगा, ये इतना चुप क्यों रहता है, ये इतना क्यों बोलता है? प्लीज़ इन सब बातों को छोड़कर इंसानों के दिल पढ़ना सीखो। कोई कैसे ज़िंदगी जी रहा है आपको नहीं मालूम, और आपकी ज़रा सी तसल्ली या एक तकलीफ दा जुमला किसी को जीने की एक नई उम्मीद या और ज़्यादा अज़ियत दे सकता है। और अगर आज आप किसी के साथ अच्छा सलूक करोगे, किसी का भला सोचोगे, तो कल को आपके लिए अच्छा सोचने वालों की तादाद भी ज़्यादा होगी। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो तब सही हो जाती है जब हम हर चीज़ अपने रब पर छोड़ने के आदि हो जाते हैं। खुद कोशिश ना करो चीज़ों को ठीक करने की। जो हो रहा है उसे होने दो। चीज़ें बिखरी हैं तो उसे बिखरने दो। जब वक्त आएगा तो वो समेट जाएंगी। दर्द ख़त्म नहीं हो रहा तो रब से बातें करो, अपने लिए रहम मांगो। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ये, मेरी ज़िंदगी वो, ये सोचना छोड़ दें और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो। बेशक अनकरीब अल्लाह पाक इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगी। भला वक्त कभी ठहरा है क्या? वक्त तो बदलता रहता है और बदले का भी। बस सब्र करो और अपने लिए हिम्मत मांगते रहो। वो सुन रहा है, वो सब सुन रहा है। वो तुम्हारे बेचैन दिल को करार दे देगा, यकीन रखो।